नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले, बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 6 निवासी राजकुमार पूरी उम्र 60 वर्ष है, जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए पाल टावर चौराहे के पास पान मसाले की गुमटी रखे हुए हैं। बीते सोमवार देर शाम दुकान पर दो युवक बर्रा 6 निवासी गौरव चित व उनका साथी आए और नशे की हालत में गाली गलौज करने लगे। दुकानदार के मना करने पर दुकान में आग लगा देंगे, तुमको भी मार देंगे, धमकी देकर भाग गए। वहीं देर शाम दुकान में आग लगा दी। सुबह जब राजकुमार दुकान खोलने आए तो देखा दुकान पूरी जली हुई है। दुकान में रखा 2000 का सामान और 1500 रुपए भी रखे थे, सब जलकर खाक हो गए। वहीं कुछ ही देर बाद वही मौके पर दबंग गौरव दीक्षित आकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैंने दुकान में आग लगाई है, जो करना हो कर लो, जाकर जाओ पुलिस से बता दो, जाकर मेरी कारस्तानी। जब तक राजकुमार ने 112 पर पुलिस को सूचना दी, जब तक दबंग आरोपी वहां से भाग निकला। वहीं बुजुर्ग राजकुमार ने जनता नगर चौकी में शिकायत कर तहरीर दी है, दबंग युवक पर कार्रवाई की जाए। वहीं दुकानदार राजकुमार ने बताया कि 15000 का नुकसान भी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार पुरी। राजकुमार आप कहाँ रहते हैं? हम बर्रा 6 में। क्या हुआ था राजकुमार जी, कैसे आपकी दुकान में आग लग गई, कैसे सूचना मिली आपको? दो दबंगी यहाँ पे रात को दुकान में आए, आपस में लड़े, तो मैंने मना किया कि ऐसा है कि भाई यहाँ ना लड़ो, दुकान हमारी तो नुकसान हमारा होगा, आप यहाँ से जाओ, कल सामान ले लिया अपना जाओ आप। उसके बाद जो है आप लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँच गए, दोबारा आए तो कहते कल तुम्हारी दुकान नहीं बचेगी, जल जाएगी और देख लेना तुम। हमने कहा तुम लोग नशे में हो, तुम जाओ यहाँ से। गौरव दीक्षित हैं जिन्होंने ये धमकी दी मुझको। फिर सुबह आए, सुबह आपने क्या देखा? सुबह आया तो दुकान बिल्कुल राख हुई पड़ी थी हमारी, और सुबह वो वहाँ उनके घर गए तो वो कहने जो हमने जला दिया, जो करना कर लियो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कितने का नुकसान हुआ आपकी दुकान? मेरा जो है 20,000 का नुकसान हुआ। वो जो दुकान जलाई जिस दबंग ने, हाँ। क्या कार्रवाई चाहते हैं उसके खिलाफ? और कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ मैं उसके खिलाफ। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी है हमने। पुलिस ने आकर क्या आरोपी को अभी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? अभी नहीं पकड़ा, पुलिस पकड़ने गई है। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता भूपेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।